कोरोना के महामारी में महावितरण अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, आर्थिक संकट में आ चुका है, यह सच है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन? तो मार्च 2014 में 14,154 करोड़ पर जो महावितरण का बकाया राशि था वो मार्च 2020 में 51,146 करोड़ पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि भाजपा सरकार के पांच साल के कार्यकाल में जो बकाया राशि थी वो 37,000 करोड़ पर पहुंची थी और हमारे कार्यकाल में जो बकाया राशि ऐड हुई उसमें वो 7,000 करोड़ के आसपास हुई। इस पर से ही आपको पता चलेगा कि किसने यह बकाया राशि का पहाड़ हमारे ऊपर खड़ा किया। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह मैं जब इतिहास को टटोल रहा था तब मेरे सामने एक वाक्य आया कि उनके ही कार्यकाल में लातूर में जिले के अंदर जो मीटर है बिजली के वो बदली किए गए और बदली किए मीटर जो है उसके जगह नए मीटर लगाए, उसमें चार गुना ज्यादा बिजली का बिल आया और वो बिल उन्होंने बड़ जबरी के साथ जोर जबरदस्ती के साथ वसूलने का काम किया, उनपे दबाव डाला, उनके मीटर डिस्कनेक्ट कर दिए गए और वो वसूल किए गए। ये और तीसरी बात कि ये इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 90,000 करोड़ हमारे महावितरण को देने का वादा किया था, तो 90,000 करोड़ में से मैंने उनको कहा था कि आप जो दे रहे हो उस पे 10.11% इंटरेस्ट लगा रहे हो, जबकि बैंकों का इंटरेस्ट जो है नेशनलाइज बैंक का वो 6 या 7% का है। तो इस पर से आप मुझे बताइए कि आप एक तो हमें कर्जा देंगे और कर्जे में इंटरेस्ट जो लगाएंगे, तो ये तमाम बातों को महाराष्ट्र की जनता समझ रही है कि असल में साहूकारी कौन कर रहा है। तो साहूकारी बीजेपी की सरकार कर रही है, ना वो महाराष्ट्र सरकार को मदद करना चाहती है, ना जीएसटी का 28,000 रुपया वो वापस करना चाहती है, ना ही किस प्रकार की सहूलत देना चाहती है। इस पर से साहूकार कौन है ये इस प्रदेश की जनता ही बताएगी, यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।